मोबाइल फ़ोन आजकल हमारे रोज़मर्रा के कामों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि हमारी सेहत को भी मुतासर करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल क्यों अहम है? ज़्यादा वक्त मोबाइल पर गुजारने से आँखों की रोशनी कम होना, गर्दन और कमर में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और नींद की खराबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से हम अपनी अहम जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल के लिए कुछ तजवीज़ पेश करता हूँ। रोज़ाना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास वक्त मुकरर करें और उस पर अमल करें। वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब वक्त दें और उस पर नज़र रखें। काम के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल फ़ोन की रोशनी को कम करें और वक्तन फ़वक्तन आँखों को आराम दें। मोबाइल फ़ोन के बजाय लोगों से बातचीत करें। मोबाइल फ़ोन के बजाय अहम कामों पर तवज्जो दें। मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम दुनिया भर की खबरें और मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम अपना कारोबार आसानी से चला सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आसानी से रابطہ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एक अहम आला है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वरना ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी आदत को तब्दील करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी आदत को तब्दील करना होगा। मोबाइल फ़ोन के बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करें। मोबाइल फ़ोन के बजाय अहम कामों पर तवज्जो दें। रोज़ाना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास वक्त मुकरर करें और उस पर अमल करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप एक सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उम्मीद है आप इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। शुक्रिया।